हाँ नमस्कार सर, हमारे यहाँ पे मशीन खरीदने आए हैं सर। आपका थोड़ा सा इंट्रो। मैं धर्मेंद्र सिंह तंवर, बारादा ताकुल, तहसील सांगला, जिला इंदौर से हूँ। और ये मशीन मैंने देखी वकील साहब के यहाँ और मुझे अच्छी लगी, आज मैं यहाँ खरीदने के लिए आया हूँ। और भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि कैसे चलाना है, और सोयाबीन और दवाई बुलवाई है, जेनोरा दवाई लाया, उससे देखते हैं कैसे करते हैं मशीन। तो ये सामने बता रहे, तो ये झेलोरा हमने 100 ग्राम दवाई ली है और इसमें 400 ग्राम पानी मिलाया है, जैसा कंपनी भी बताती है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो है मोटर का स्विच ऑन करना है। ये मोटर का स्विच है, ये जैसे ही आपने ऑन करा मोटर अपनी चालू हो गई है। अब इसके बाद में आपको दवाई सेट करना, सेट करने का ये वाल्व है और इसकी नंबरिंग है ताकि आप इसको याद रख सकें। एक बार सेट हो जाए उसके बाद में अपन याद रख लेंगे। तो आपने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। आप देख सकते हैं कि एक दवाई की धार बन रही है इसमें और ये झेलोरा के हिसाब से प्रॉपर है। ठीक है, आपने एक बार दवाई चालू कर दी। अब कुछ सेकंड के लिए रुकिए ताकि दवाई का फ्लो यहाँ से पाइप तक चला जाए। का जो लीवर है आप इसको चालू कर दीजिए। ये सोयाबीन का लीवर चालू हो गया, आप देख सकते हैं ना, दवाई हमने सेट कर ही दी है। अब आपको अगर ये रिजल्ट चाहिए जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो ये सेटिंग्स आपको दवाई और सोयाबीन की करना रहेगी। ठीक है, आ रही है। हाँ ये मैं कर लूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिब्बे के अंदर हमने 25 किलो डाली थी और वो 25 किलो अभी लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। डाल दो आप। हाँ, आप इसको पीछे की तरफ खींच कर उसी समय बीज को फैला सकते हैं ताकि वो उसी समय सूख भी जाए। तो सर आपने परफॉर्मेंस देखा, आप बताइए कैसी लगी आपको मशीन और काम भी कैसा लगा? अच्छी मशीन लगी, दाने दाने भी कोटिंग हो रही है, तो अच्छा लगा। और ऑपरेट करना बहुत आसान है, कोई हाँ ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें, और रगड़ तो बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, और हम इसे तैयार। और दवाई भी आपकी मात्रा जो है वो कम ही लगेगी, हमने ये निष्कर्ष भी निकाला है कि इतनी ज्यादा दवाई की जरूरत भी नहीं है ना। ये हमने इसमें 50 किलो के अंदर 400 ग्राम पानी दिया था, 100 ग्राम दवाई दी थी, जो कि आमतौर पर हम करते हैं हर वर्ष। लेकिन इसमें लगा हमें कम पानी अगर लेते हैं उसमें अच्छी कोटिंग हो जाती है, और हमारा सोयाबीन का पानी पानी कम रहेगा तो कोटिंग भी अच्छी हो रही और दाना खराब नहीं होगा। ठीक है, जिन किसान भाइयों ने ये मशीन ली है, खरीदी है और जो लेने का सोच रहे हैं, वो ये सेटिंग्स जो हमने अभी यहाँ पे करी ये ध्यान में रखकर ही मशीन चलाएं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाए। तो जो ऑपरेट करने का इसका एडाप्टर है साथ में, क्योंकि ये बिजली से भी चल जाती है, और बैटरी आपकी स्प्रे पंप की बैटरी हो या फिर ट्रैक्टर की बैटरी हो, आप दोनों से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये एडाप्टर है, आप बिजली से जब या फिर इन्वर्टर से चलाएं तो ये पिन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, लगानी है और स्विच ऑन कर देना है, मोटर चालू हो जाए। भैया हम इसे अगर बैटरी से चलाना चाहें तो किस तरह से तार जोड़े और कैसे हम इसे लगाएं? नहीं, आप तार नहीं जोड़े, आपको ये पिन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली पिन आपको लेना रहेगा, आप बैटरी में उधर लगाइए और फिर ये यहाँ पे इसी का सॉकेट है, इसके सॉकेट में ये पिन लगा दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट वायर लगाएंगे तो आप उसको मोटर वगैरह को जला सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, इसलिए आप ये वाली पिन जरूर लगाएं। ठीक, ये ऐसे बिजली से चलता है, और जब हम अगर बैटरी से चलाना चाहें फिर ये पिन बाजार में आसानी से नहीं मिलती है, तो अगर हम चाहते हैं जो खराब एडाप्टर है उसके यहाँ से अपन वायर काट लेते हैं और उसमें तार जोड़कर ये पिन मशीन के अंदर लगा करके बैटरी से अपन चला सकते हैं। ये ऐसा जुगाड़ बन सकता है जब बैटरी से चलाना है। एक चीज़ और कि इसमें डीसी मोटर है,
तो आप इसको डायरेक्ट वायर जोड़ के यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, इसके लिए एडॉप्टर का प्रयोग जरूर करें। एक आखिरी चीज जो आपको करना है इसमें वो ये कि इसको थोड़ा सा साफ करना रहेगा आपको पानी से, आपका पूरा जैसे ऑपरेशन पूरा खत्म हो गया हो उसके बाद में आप इसमें पानी डाल सकते हैं, साफ पानी आप इसमें डाल दीजिए, इसके वॉल को आप पूरा खोल दीजिए। और जब तक आपका पूरा साफ पानी, क्या होता है ना कि दवाई इसमें जम सकती है, वॉल में जम सकती है, नलियों में जम सकती है, या फिर कहीं और भी थोड़ा बहुत बीज वगैरह भी जो होगा वो आपको बाहर आ जाए, है ना। तो जब तक थोड़ा सा साफ पानी नहीं आ जाए, पानी आप इसको चलने दीजिए और इसकी मोटर को भी चालू कर दीजिए ताकि अपना वो जो रोटर है वो घूमता रहे और पानी पूरा अच्छे से साफ होके बाहर हो जाए।